गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 197वीं जयंती के उपलक्ष्य में मॉडर्न आर्ट गैलरी में एक अनोखी प्रदर्शनी आयोजित की गई है। यहाँ पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के हाथ के बनाई हुई कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं और जिनको बखूबी दिखाया गया है कि किस तरीके से चीज़ें को समझते थे, नेचर को समझते थे। जो सबसे बड़ी चीज़ है, पोर्ट्रेट में उनकी मास्टरी थी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मॉडर्न आर्ट गैलरी के महानिदेशक अद्वैत गणनाय जी। सर, ये किस तरीके की प्रदर्शनी? गुरुदेव का प्रदर्शनी, एक्चुअली आप गुरुदेव का नाम लेने से वो सारी विजुअलाइज होता है ना, कैसे प्रकृति है और उनका पोर्ट्रेट, थिएटर, कभी एक्चुअली सारा चीज, वो जितना सोच उनका अंदर था ना, एक एक पेंटिंग आपको ऐसे लगेगा कि उनका उनका पोर्ट्रेट भी जैसा लगता है, सेल्फ पोर्ट्रेट जैसा। लेकिन और कुछ काम आप देखेंगे जो कि एक्चुअली वो ज़्यादातर खुद लिखते थे, थिएटर का बारे में एक्चुअली एक प्ले डिजाइन खुद करते थे, कॉस्ट्यूम डिजाइन उनका जो भातीजा अवनेंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, वो लोग सारी मिलके वो प्ले करते थे। तो जो पेंटिंग आप देखेंगे ज़्यादातर आपको लगेगा थिएट्रिकल लगेगा, कुछ कुछ लाइट आप देखेंगे पोर्ट्रेट भी कुछ इससे थिएट्रिकल लाइट आ रहे हैं। और ज़्यादातर वो कोशिश किए कि वो एक्चुअली इतना एक्सपर्ट आर्टिस्ट, मतलब टेक्निकल इतना एक्सपर्ट नहीं, खेलते थे। पेंटिंग आप देखेंगे वो आपको लगेगा कि इतना स्किलफुल, मतलब आपको नहीं, वो कभी सोचे नहीं थे कि मैं एग्जीबिशन करूँगा कि ऐसे कुछ होगा, कि वो मजा के खेलते थे वो सारी चीज़। और बात है कि वो 64 का आसपास पेंटिंग शुरू कर रहे हैं, मतलब सारा कुछ बात है कि उनका जो सोच है ना, प्रकृति की तरफ ज्यादा था। और इसलिए मेरे को लगता है वो जो साहित्य के तरफ है ना, उनका जो दूरदर्शी जिसको बोलते हैं ना, इतना पावरफुल था कि वो शांतिनिकेतन जब ये सारी जो बना रहे होंगे, वो सारे प्रभाव वो शांतिनिकेतन का एक्चुअली कवि वहाँ आर्टिस्ट जैसे रामकिंकर बेज है कि उनका, मैं स्कल्प्टर हूँ ना, जानता हूँ वो रामकिंकर बेज का साथ एक्चुअली उन्होंने तो बताया था कि सारा शांतिनिकेतन भर दीजिए उस कल्चर में, तो इस तरीके का उनका सोच था कि, लेकिन जैसे वो बना रहे थे नेचर का साथ, आप देखेंगे वो रामकिंकर बेज का कल्चर सांतल फैमिली हो कि सुजाता हो, वो जंगल का अंदर हो कि पेड़ का अंदर है, तो एक एटमोसफेयर कोशिश कर रहे थे कि कोई भी कंसेप्ट लेके उसके अंदर आए और सारा उसका रिजल्ट लेके जाए। तो सर, जैसे अगर नोबेल की बात करें तो देश का पहला नोबेल रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम ही था, गीतांजलि के लिए मिला। तो इसके अलावा जब यहाँ पर जैसे ये पेंटिंग देखा, इसमें क्या खासियत है, इस पेंटिंग की क्या खासियत है, ये तो बिल्कुल अलग लग रही है, डिफरेंट है। आप उसका टेक्निक भी देखते हैं, वास पेंटिंग जैसा लगता है कि आप उसका देखिए डिटेल ड्रॉइंग्स और उसका ड्रापर भी देखिए कि एक्चुअली मैं जो शुरू से बता रहा हूँ ना, उनका ड्राइंग एक्चुअली वो प्रॉपरली उसको फील करते थे और उसमें खेलते थे उसमें। अच्छा, जो आप उसका आप देखिए ना उसका जो यहाँ देखिए पूरा डिटेल है, डिटेलिंग तो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, और एक्सप्रेशंस भी एकदम दिख रहे हैं। हाँ, और काफी पेंटिंग उनका थोड़ा दुखी भी लगता है, तो बहुत सोचते हैं ना। आप वो स्कल्पचर आप देखिए ना, वो कितना उनका सोच, जो कि इतना पावरफुल सोच है, तो काफी उस तरीके का काम भी आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब चेहरे ज्यादा बनाते हैं, पोर्ट्रेट ज्यादा है। हां, एक्चुअली पोर्ट्रेट में सारी एक्सप्रेशन वो दे सकते हैं, तो आप देखिए ये पोर्ट्रेट अलग है, ये पोर्ट्रेट अलग है, हंसता हुआ चेहरा दिखा रहे हैं, तो वो ज्यादा एक पोर्ट्रेट से सारे भाव आप प्रेजेंट कर, क्योंकि फेस से ऐसे जगह होता है जहाँ कि आप सारे भाव वहाँ प्रकट कर सकते हैं। तो उनका ज्यादातर यहाँ पर पोर्ट्रेट आप देख सकते हैं बहुत कम है। सर, कितनी है यहाँ पर कलाकृतियाँ आपने प्रदर्शित की? हमारे पास 102 है, लेकिन सारा हमने डिस्प्ले नहीं किया। अच्छा,
अच्छा सर, एक और खास चीज़ है, जब रविन्द्रनाथ टैगोर की बात आती है तो कहीं ना कहीं कल्चर की बात आती है और एक अलग तरीके की फीलिंग आती है, लोगों को लगता है अरे रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसा नाम है जिसमें लोग कहीं अपरिचित समझते ही नहीं, कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं, तो उस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर वो सारा दुनिया घूमते वो इस तरीके का फील है कि वो जमींदार घर का मतलब जो भी कलेक्ट करते हुए जाते हुए सारे चीज़ वो देखते हैं, लेकिन उनका रुचि उस तरफ बिल्कुल नहीं, ज़्यादातर कला का ऊपर था, नाटक और लिखना है और पेंटिंग करना और ये सारी को अपना जो इंडियन कॉन्सेप्ट का ना जो जिसको आप बोल सकते हैं जो स्वदेशी मूवमेंट उस टाइम शांतिक कथन में शुरू किया गया तो सारा उनका काम ही नज़र आता है, लेकिन उस टाइम में वो ऐसे भी बाबू हाउस को भी लेके आ गए थे, कलकत्ता में शो किए थे, तो वो उनका शायद उनका भातीजे को ऐसे लगा होगा नहीं ये तो स्वदेशी का बात करते हैं लेकिन फिर भी वो विदेशी लोग को लाते हैं, लेकिन उसमें पॉल क्ले और इस तरह का काम ही उनको अच्छा लगा उन लोगों को। दुनिया में जितने बड़े नाम थे लोग थे वो तो अभी मैं चाइना बीजिंग में था वहाँ पर जाके वो काम किए हैं, तो उस एक्चुअली उनका मूवमेंट और जो इंटरेक्शन है ना पार्क और हर जगह में था, जैसे मैं सोच रहा हूँ ना नेचर से नेचर का साथ, पब्लिक का साथ, स्टेट का साथ, कंट्री का साथ, बहुत पावरफुल उनका इंटरेक्शन था और हर जगह में अभी भी जो उनका जहाँ भी हम जाते हैं ना सारी चीज़ें उनको मिलता है। अभी बीजिंग में अभी एक समिट था स्पेशल आर्ट के लिए, तो वहाँ पर टैगोर के बारे में बात करें वो बताया कि टैगोर का एजुकेशन इधर आ सकते हैं, मतलब इतना उनका जो पॉपुलरिटी इतना ज़्यादा है और हमारा कंट्री का फर्स्ट नोबेल प्राइज उसको मिला है और उनका सोच जो कि रूप को लेके और इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करने का सोच है, तो इससे उनके कहाँ भी जाएंगे आप मर्चा करना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं हर एक आदमी उससे कनेक्ट करता है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है शांति निकेतन, तो शांति निकेतन को समझना हो, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को समझना हो तो आप यहाँ मॉडर्न आर्ट गैलरी आइए और यहाँ तमाम उनकी बनाई हुई कलाकृतियों को आप देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। कैमरामैन राकेश के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।